करना पड़ता है। और ये कुछ दिखा रहा है, वो क्या है इसके अंदर, ये वाइट कलर का। सो गाइस लेट्स गो फॉर दी अनदर प्लांट्स। हम लोग और भी बहुत सारी तरह की प्लांट्स देखेंगे और उनके बारे में बातें करेंगे, अल्ताफ से पूछेंगे। एंड गाइस द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, ये सरसों की खेत है। आप देख सकते हो इस पे सरसों की प्लांट लगी है और उस पे फ्लावर्स भी लगे हैं, येलो येलो, वाओ वंडरफुल। आप सामने से देखोगे तो मैं क्या ही बताऊँ इसकी तारीफ में, बहुत ही खूबसूरत है। और ये दो डिवीज़न में है, बीच से एक वे बना है जाने का। और इस साइड में देखो तो आप बहुत सारे यहाँ पे सरसों के प्लांट्स दिख रहे हैं, इस साइड में थोड़े कम हैं। तो हम लोग इस साइड को शूट करते हैं और इस साइड को देखकर ऐसा फील होता है कि लाइक क्या ही बताऊं यार, बहुत प्यारा लग रहा है। इसे देखकर शाहरुख खान की याद आ रही है। वाव, कैन यू सी दिस? और जो मैंने आपको पीछे पूरा दिखाया था पुआर, वो देख सकते हो आप, उसे पेट्स खाते हैं और ये काऊ भी खा रही है इस वक्त। और उसके आगे गोट है, काऊ है, यहाँ पे बहुत सारे पेट्स होते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर पे पशु पक्षियाँ रखते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें नेचुरल चीज़ पसंद होती हैं। ये लोग मिल्क देते हैं और अंडे देते हैं, लाइक चिकन भी पालते हैं लोग, तो वो मुर्गियाँ अंडे देती हैं और ये काऊ मिल्क देते हैं, जिससे ये लोग हेल्थी फूड अपने लिए खाते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। शहर के मुकाबले विलेज के लोग काफ़ी हेल्दी होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हें नेचुरल फूड खाने मिलता है, ये नेचुरल फूड कंज्यूम करते हैं खुद के अंदर। इट्स अ ग्रेट थॉट, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि नेचुरल चीज़ की बात ही अलग होती है। जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि मैं नेचर लवर हूँ, ये इसलिए क्योंकि आप कभी भी यहाँ पे आना, यहाँ पे क्या मतलब, कभी भी किसी भी गांव में जाना, किसी विलेज में जाना और वहाँ पे जाकर आप नेचर में घूमोगे जब, तो आपको पता लगेगा अभी दिन का टाइम है और यहाँ पे काफ़ी धूप आ रही है, ये सनी डे है, फिर भी इतनी ताज़ी इतनी फ्रेश हवाएं चल रही है, शायद माइक में भी सुनाई दे रही होगी वो हवा। तो बहुत ही प्यारा सा मोमेंट लगा है यहाँ पे, बना है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये क्या है, गेहूँ, ये गेहूँ की फसल है, आप देख सकते हो बहुत सारे प्लांट्स हैं यहाँ गेहूँ के। और ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, अभी इस पर गेहूँ नहीं लगा, बट बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये जो विंड है ना यार, क्या हवा चल रही है, सच्ची इट्स अमेजिंग, इट्स अ वंडरफुल, कैन यू सी दिस गाइस? वाह, ये मुझे बहुत पसंद है, पहाड़ बहुत मजा आता है यार क्लाइंबिंग करके, सच्ची क्या बताऊं। सो गाइस अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे और भी क्या प्लांट है। ये देख सकते हो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था मेरे फ्रेंड्स टूरिस्ट गाइड हैं, तो ये लोग भी मुझे गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या है एंड कहाँ से कहाँ पे जाना है। तो मैं इससे फॉलो करते हुए जा रहा हूँ अल्ताफ को। अगर आप अल्ताफ को नहीं जानते तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ जाकर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे भी फॉलो कर ले जल्दी से, ताकि आपको कोई हेल्प लगे तो ये आपको हेल्प कर पाए। और ये देख सकते हो गाइस आप, ये एक झोपड़ी टाइप का बना है और इसमें किसान लाइक जो फार्मर हैं वो रेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने बताया काफ़ी कड़ी धूप है, बहुत गर्मी हो रही है। और ये वही
गेहूं एंड चावल की फसल है जो सूख कर पड़ी हुई है, और इस पे भी उसका ही इस्तेमाल किया गया है ताकि इन्हें रेस्ट मिले। नीचे इसके आप देख सकते हो धूप नहीं आती, तो यहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं जब ज़्यादा थक जाते हैं या ज़्यादा गर्मी होती है। उसके बाद अपनी खेत की रखवाली भी करनी पड़ती है इन्हें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स फसल बर्बाद कर देते हैं, तो उनसे अवेयर रहना पड़ता है इन्हें, अपनी खेत की ख्याल रखना पड़ता है। और ये कुछ दिखा रहा है, वो क्या है इसके अंदर? ये वाइट कलर का एक स्टैचू बना रखा है इन्होंने, आप देख सकते हो गाइस, ये एक स्टैचू टाइप का है। ये रहर की फसल है, उसके अंदर ये स्टैचू बना रखा है, क्योंकि यहाँ पे जब कोई एनिमल्स इस फसल को बर्बाद करने की कोशिश करें तो वो इनसे डर कर भाग जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एनिमल्स फसल बर्बाद कर देते हैं, इसलिए उनसे बचाने के लिए अपने खेत को, अपनी फसल को, इन्हें कुछ ना कुछ करते रहना होता है। और इन्होंने काफ़ी अच्छी दिमाग लगाई है, क्योंकि जब स्टैचू को देखते हैं एनिमल्स तो उन्हें लगता है कि लाइक कोई इंसान है, और वो डर कर भाग जाते हैं। तो इट्स अमेजिंग, नाइस थॉट, बहुत अच्छी बात है ये। और ये भी कुछ पेड़ है, ये कौन सी पेड़ है? ये बैर की पेड़ है। और अभी हम लोग OMG, यहाँ पे बहुत सारे कांटे लगे हैं, और ये आप देख सकते हो मेरा माइक का वायर उस कांटे से फंस गया था, तो फाइनली मैंने उसे निकाल लिया बाहर। यहाँ पे, हाँ गाइस मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आप जब भी आओ तो एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना कि बहुत सारे प्लांट्स में बहुत तरह की कांटे होते हैं, तो उन कांटों से आपको बचना है, क्योंकि वो आपको चोट पहुँचा सकती है, वो आपको इंजरी कर देगी, क्योंकि बहुत ही नुकीले कांटे होते हैं, वो अगर आपको चुभा तो बहुत पेन होता है, क्योंकि कई बार मुझे चुभा है, तो मैं बता सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा ही पेन होता है यार। नाउ हम लोग फसल के बीच से जा रहे हैं, ये रहर की फसल है, और हम लोग फसल के अंदर से एक पेड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कौन सी पेड़ है? ये भी बैर की पेड़ है। वाओ, यहाँ पे तो बहुत सारी बैर गिरी हुई है, ये आप देख सकते हो, ये सारा पका हुआ बैर है। यहाँ पे बहुत सारा बैर है, जब यहाँ पे पक जाती है बैर तो फिर पेड़ से गिरती है और हवाओं के वजह से। और ये आप देख सकते हो मैंने एक बैर नीचे से उठाया है, ये बहुत ही प्यारा सा है और नेचुरल है बिल्कुल। जी हाँ, 100% नेचुरल। एंड ये है बैर की पेड़, आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ी पेड़ है, और इसमें अभी भी बहुत सारे बैर लगे हुए हैं, तो आपको मैं यहाँ से बैर तोड़कर खाकर दिखाऊंगा। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया था, बहुत सारे कांटे होते हैं बहुत सारे प्लांट्स में, तो इसमें भी कांटे हैं कुछ, ये आप देख सकते हो, इसमें भी कांटे निकले हैं। और ये कांटा आपको चुभा तो मींस बहुत दर्द होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही नुकीले कांटे होते हैं। कैन यू सी दिस गाइस, इट्स अमेजिंग एंड इट्स शार्प, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये पेड़ भी बहुत ही खूबसूरत है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो सब तरफ से फैला ही है, और वो सामने भी बैर की पेड़ है और उस पर बहुत सारे बैर लगे हैं। अभी मैं आपको बैर तोड़कर दिखाता हूँ,
और उसे खाएंगे भी हम लोग। कैन यू ब्रोक दैट? हाँ जी, अल्ताफ हमारे लिए बैर तोड़ रहे हैं, तो इसने एक पत्थर उठाई और बैर को तोड़ा, और आप देख सकते हो वहाँ से बहुत सारे बैर गिरे। अभी हम लोग चलते हैं बैर के नज़दीक।